मित्रों, मैं डॉक्टर रामपाल वर्मा, एग्रोनॉमिस्ट कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। आज केराला गांव में आया हूं। एक खेडूत है अपने इमरान भाई, इस्माइल भाई। तो पहले ये जेनरिक ग्रेड यूज करते थे, तो अभी इनको हमने सजेस्ट किया था फिटसोल सोलेनेसी कोरोमंडल का। तो आइए इनसे पूछते क्या क्या इनको फायदा हो। तो इस्माइल भाई, थोड़ा सा अपना नाम, मोबाइल नंबर परिचय दीजिए। हिंदी में चलेगा, हिंदी में जाती। मेरा नाम है इस्माइल मेसाणिया, केराला वाकर है। मेरा मोबाइल नंबर है 9987141727। तो आपने फिटसोल सोलेनेसी जो यूज किया, ग्रेड वन और ग्रेड टू, तो दोनों में आपको क्या क्या फायदा था, और पहले जो करते थे उससे दोनों में क्या फायदा दिखा, ये थोड़ा खेत मित्रों को बताइए। पहले फायदा तो ये है कि आज ये डाले कल वो डाले, आज ये डाले कल वो डाले। इनमें बड़ा फायदा ये है, ग्रेड वन फ्लावरिंग स्टेज में ग्रेड वन चलाओ, और फ्लावरिंग स्टेज के बाद जब फूट बनने शुरू हो जाए तब ग्रेड टू चलाओ। भले, तो मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि कब हमें 0-52-34 चलाए, कब 12-61, कब 19-19, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीच बीच में कैल्शियम नाइट्रेट चलाते हैं। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट। भले, तो आपको यूज करने से क्या क्या फायदा हुआ? पहले तो ये कि पहले तो भीड़ भाड़ निकल गई, ये चलाओ वो चलाओ, ये चलाओ ये डालो वो डालो। पहले तो पहला बेनिफिट वो हो गया। फिर शाइनिंग की बात करें तो वह तो नंबर वन पे हुई है। मार्केट वातानेर में डालो या राजकोट मंडी में डालो। अच्छा, जब आप मंडली में लेके जाते हैं तो वहाँ आपका जो रेट होता है नंबर वन पे रहता है। साइजिंग में कोई प्रश्न नहीं रहता, और लाइटिंग में भी प्रश्न। तो खेडूत मित्र, आप ये लोग देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है, चमक कैसी है, और साइज भी सब यूनिफॉर्म रहते हैं, जिसकी वजह से इस्माइल भाई को मार्केट में हमेशा टॉप प्राइस में मिलता है जी। तो ये सब भी आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी चालू ही है हार्वेस्टिंग चालू है। ठीक है इस्माइल भाई, तो आप मर्ची में भी यूज करते हैं ना? वो मर्ची में भी आपको क्या फायदा है? अभी ये रेड मर्ची अभी जो हार्वेस्टिंग हो रही है उसमें भी मैंने वही किया। तो दूसरे खेडूत को क्या सलाह देते हैं, जैसे जो टमाटा लगाए या मर्ची लगाए तो उपयोग करना चाहिए? लॉन्ग टाइम चलना है ना किसी को। हाँ, तो ग्रेड वन ग्रेड टू इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चार महीने से मेरी अभी हार्वेस्टिंग हो रही है। अच्छा, वो चौमास वही, उसमें भी ग्रेड वन ग्रेड टू ही चल रहा है। टमाटर की बात कर रहा हूँ, और मेरे जैसे मेरे साथ की टमाटर है उसको तो गेहूं भी हो गया और कौन भी कट गया। अच्छा, तो मेरे टमाटर अभी चालू है, अभी भी चालू। ये टमाटर की बात नहीं करो, और दूसरी वाली टमाटर, पुरानी वाली उसमें ग्रेड वन और ग्रेड टू ही डाला है मैंने, और बीच बीच में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आगे का भी जब आप मर्ची लगाएंगे तो उसका क्या प्लानिंग है ग्रेड को लेकर? हां, ग्रेड वन ग्रेड टू ही चलेगा। और मैं खेडूत को भी कह रहा हूँ, ये अभी जो कोरोमंडल और मासिक के दिख रहे तो है नहीं मेरे, तो मैं ये खामखा ऐसे व्यवहार कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो ठीक।